हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन आज हमारा टॉपिक है क्रेनियन नर्व्स आज हम क्रेनियन नर्व्स के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन टाइप्स स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए

फ्रॉम फ्रंट टू बैक नंबरिंग दी गई है और बैक तक जाती है फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्ट्री नर्व है ऑल फैक्ट्री नर्व का वन नंबर क्रेनियन नर्व फर्स्ट नंबर ऑफ क्रेनियन नर्व एंड सेकेंड है ऑप्टिक नर्व ये दोनों कहा से कनेक्टेड है सैरेब्रम सेरेब्रम से होती हुई आ रही है ये तो ये क्या है सीरियल वाइज आ रही है. उसी के बेसिस पर इनको नंबरिंग दी गई है cerebrum, 10 क्या बताया गया है कि जो दो क्रेनियन नर्व हैं क्रेलियन नर्व्स फर्स्ट एंड क्रेलियन नर्व सेकेंड ये कहां से आती है सेरेब्रम से आती है और जो रिमेनिंग टेन बच गई है वो ब्रेन स्टेम से जैसे कि कुक्यूलोमोटर थर्ड फोर्थ है ट्रोकलियर फिफ्थ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिन सेवन फेसियल नर्व एट वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व नाइन क्लोसोफेरिंजियल टेन वेगस नव इलेवन एसेसरी नर्व एंड लास्ट है हाइपोग्लोसल नर्व ट्वेल्व तो ये कहां से आ रही है फ्रंट से स्टार्ट का हो रही है सेरेब्रम और एंड का हो रहा है इनका ब्रेन स्टेम के पास ये देखिए ये ट्वेल्थ क्रैनियल नर्व है और एंड हो रहा है उसका यहाँ पर और ये पेयर में होती है एक लेफ्ट साइड से तो एक राइट right साइड से होती है नेक्स्ट है क्रैनियल नर्व कनेक्ट मसल एंड सेंस ऑर्गन ऑफ हेड नेक थोरेक्स एबडोमिनल रीजन डायरेक्टली टू द ब्रेन क्लेनियन नर्व कहां से कनेक्टेड होती है मसल के साथ कनेक्टेड होती हैं एंड सेंस ऑर्गन और सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्ट होती हैं जैसे कि नेक हेड थॉरक्स एंड एब्डोमिनल रीजन डायरेक्टली टू द ब्रेन कहा से अटैच होती है ब्रेन के साथ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रेनियन नर्व कितने टाइप्स की क्रेनियन नर्व होती है फर्स्ट सेंसरी एफरेंट नर्व सेंसरी एफरेंट नर्व फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन ये काम होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना पैरिफेरी का मतलब होता है बॉडी पार्ट क्या करना बॉडी पार्ट से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैरी करना यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो पेरीफेरी से ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करेंगी सेंसरी एफ नर्व नेक्स्ट है मोटर इफ्रेन नर्व कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू पेरीफेरी ये क्या करेंगी इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगी ब्रेन से पेरीफेरी तक यानी कि ब्रेन से पेरीफेरी तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में मदद करेंगी कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ब्रेन से वो बॉडी पार्ट तक पहुंचाएंगी मोटर एफ्रेन नर्व थर्ड है मिक्सड नर्व मिक्स नर्व की डेफिनेशन है दे डू बोथ ये क्या करेंगी दोनों काम करेंगी सेंसरी और मोटर दोनों का काम करेंगी मिक्स नर्व इन्हें हम बोथ नर्व्स भी बोलते हैं सेंसरी यानी कि पेरीफेरी से ब्रेन कहने का मतलब है बॉडी पार्ट से सारी इंफॉर्मेशन कहां तक ले जाएंगी ब्रेन तक ले जाएंगी और मोटर नर्व क्या करेंगी इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगी ब्रेन टू पेरीफेरी यानी कि ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक ले जाने में मदद करेंगी और मिक्स क्या करेंगी दोनों ही काम करेंगी सेंसरी और मोटर दोनों का नेक्स्ट है निमोनिक्स टू रिमेम्बर याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स बनाए हैं जैसे कि एफ ए जी वी एच तो ये निमोनिक्स है ऊटा फैग वाह फर्स्ट नर्व ओ ये सेंसरी नर्व होती है ऑलफेक्ट्री नर्व सेकेंड क्रीलियन नर्व ओ के लिए क्या करेंगे ऑल्फैक्ट्री यानी कि जो नोज है जहां से हम सांस लेते हैं उससे हम स्मेल करके बता पाएंगे कि कौन सी चीज क्या है तो उसको हमने फर्स्ट इंडिकेट किया है ऑलफेक्ट्री नर्व सेकेंड क्रिलियन नर्व सेंसरी है ऑप्टिक नर्व थर्ड क्रिलियन नर्व ओ एंड ये कौन सी नर्व है मोटर नर्व फोर्थ क्रेनियल नर्व है टी मोटर नर्व है टी ट्राइजेमिलियन नर्व और ये कौन सा है मिक्स्ड सिक्स है ए एबूस नर्व और मोटर नर्व है ये सेवंथ है फेशियल नर्व मिक्स्ड नर्व है नेक्स्ट है एर्थ ए सेंसरी नर्व होती है ऑडिटरी वेस्टिब्लोकॉकलियर नर्व नाइन्थ है जी यानी कि ग्लोसो फेरिंजल नर्व और टाइप क्या है मिक्स्ड। तो हो गए हैं ऊटा फैग आप देखिए नेक्स्ट टेंथ है वेगस नर्व। और टाइप क्या है मिक्स्ड। इलेवेंथ है ए, एसेसरी नर्व और इसका टाइप क्या है मोटर नर्व

नर्व और ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं ये लाइन वाइज आती है और उसी के अकॉर्डिंग इनको नंबर दिए गए हैं नेक्स्ट है नर्व फाइबर्स एंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्रेलियन नर्व है ऑल्फैक्ट्री नर्व ये किस चीज में हेल्प करेगी सेंस ऑफ स्मेल नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व हेल्प करेगी विजन में यानी कि देखने में थर्ड है मोटर नर्व मूवमेंट ऑफ आईबॉल आईबॉल का मूवमेंट कराने में मदद करेगी यानी कि आईज को मूव कराने में मदद करेगी राइजिंग अपर आईलिड बाय लेवेटर पैल्पेबी सुपीरियर ऑफ द आईलिड एंड क्यूपलरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑक्यूलर मोटर मदद करेगी अब आईलिड आईलिड को ऊपर कर मूवमेंट कराने में और प्यूपलरी कॉन्स्ट्रिक्शन में और प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में जो आईज के अंदर जो प्यूपल होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में हेल्प करेगा ओक्यूलो मोटर नेक्स्ट है फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व ट्रोक्लियर नर्व स्मॉलेस्ट नर्व है सारी किरेनियन नर्व में स्मॉलेस्ट नर्व है ट्रोक्लियर नर्व ये क्या करेगी मूवमेंट ऑफ आईबॉल आईबॉल का कर मूवमेंट कराएगी लुक डाउनवर्ड एंड इनवर्ड और कहां पर देखने में मदद करेगी डाउनवर्ड और इनवर्ड देखने में हेल्प करेगी फिफ्थ क्रेलियन नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व लार्जेस्ट नर्व है सारी क्रेलियन नर्व में लार्जेस्ट नर्व है ट्राइजेमिनल और स्मॉलेस्ट नर्व है ट्रोकलियर नर्व ये मिक्स नर्व है प्रोवाइड सेंसेशन टू फेस एंड कंट्रोल द मसल्स फॉर चुईंग ये क्या करेगी सेंसेशन प्रोवाइड करेगी फेस को एंड कंट्रोल द मसल फॉर चुईंग और चबाने में हेल्प करेगी नेक्स्ट है है मोटर नर्व कंट्रोल रैक्टस एबिलिटी टू लुक आउटवर्ड रैक्टस मसल्स को कंट्रोल करके रखेगी ताकि क्या हो आउटवर्ड देख नेक्स्ट है सेवन फेशियल नर्व कंट्रोल मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे से बन पाए नेक्स्ट है टेस्ट टेस्ट में हेल्प करेगी लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल ग्लैंड होता है टीयर ग्लैंड जहां से आंसू आते हैं उसको कंट्रोल करके रखेगी एंड स्लाइवरी ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करके रखेगी यानी कि फेशियल नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल्स को कंट्रोल करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के लिए पेस्ट के लिए लैक्रीमल ग्लैंड्स के लिए एंड स्लाइवरी ग्लैंड के लिए और ये मिक्स नर्व होती है नेक्स्ट क्रेनियन नर्व है एट्थ क्रेनियन नर्व वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व सेंसरी नर्व होती है ये हियरिंग एंड बैलेंस में हेल्प करती है आवाज को सुनने में और बॉडी के बैलेंस में हेल्प करेगी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व नेक्स्ट है 9th ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स्ड होती है हेल्प टू स्वेलो यानी कि निगलने में हेल्प करेगी स्पीच बोलने में एंड सलीवेशन में सलाइवा को सीक्रेट करने में डैमेज दिस नर्व कॉज लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स अगर इस नर्व का लॉस हो जाता है या किसी कोई भी इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से इस नर्व में क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स गैग रिफ्लेक्स नहीं आ पाएंगे यानी कि पेशेंट क्या करेगा स्वेलो नहीं कर पाएगा ना ही बोल पाएगा ना ही स्लाइवा सीक्रिट हो पाएगा सेंसरी फंक्शन ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और सेंसरी फंक्शन में क्या करता है सेंस ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट को महसूस करने में हेल्प करता है सेंस करने में हेल्प करता है कि, किस किस चीज का टेस्ट है ये उसे समझने में हेल्प करती है ग्लोसो फेरेंजियल टेंथ है वेगस नर्व सेंसेशन ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर आउटर पार्ट ऑफ ईयर में क्या करेगी सेंसेस प्रोवाइड करेगी सेंसेशन प्रोवाइड करेगी थ्रोट में गले में हार्ट दिल में एब्डोमिनल ऑर्गन्स टेस्ट सेंसेशन और टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करेगी रेगुलेट्स हार्ट रिदम और हार्ट की रिदम को रेगुलेट करेगी स्मूथ मसल्स को रेगुलेट करेगी यानी कि जहां से हम सांस लेते हैं ट्रेकिया से उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करेगी और लंग्स की एंड जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की सारी स्मूथ मसल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करेगी कौन नर्व, नेक्स्ट है टेंथ एसेसरी नर्व यानी कि मोटर नर्व मूवमेंट ऑफ शोल्डर शोल्डर की मूवमेंट कराएगी हेड की मूवमेंट कराएगी और नेक की मूवमेंट कराने में हेल्प करेगी क्या क्या करेंगी मूवमेंट ऑफ शोल्डर हेड और नेक लास्ट है हाइपोग्लोसल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व मोटर नर्व होती है क्या फंक्शन है कंट्रोल टंग मसल्स ट की मसल्स को कंट्रोल करके रखेगी यानी कि मूवमेंट कराने में हेल्प करेगी ये मदद करेगी हाइपोग्लोसल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय बाय